जालिमो इसे छोड़ दो। इसे छोड़ दो। जनाबे याकूब उठिए, उठ जाइए जनाबे याकूब। क्या हुआ या नबी खुदा, लगता है ख्वाब देख रहे थे, आपकी आवाज कमरे तक आ रही थी। बड़ा भयानक ख्वाब था, चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे, उन्होंने बच्चे को जमीन के गड्ढे में गिरा दिया था और उसे चीर फाड़ डालना चाहते थे। वो बच्चा कौन था, उसे नहीं पहचाना? दूर था, उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन तकरीबन यूसुफ जैसा कदुखामत का था। नबी खुदा जरूर ख्वाब की ताबीर जानते हैं, वरना इतने परेशान न होते। खानदान याकूब को बला और मुसीबतों का सामना है, खुदा अपने किसी बंदे की बुराई नहीं चाहता है। ये बंदे हैं जो शैतान की पैरवी करते हैं और एक दूसरे की राह में चाल बिछाते हैं। सोने से कुछ सुकून मिल जाएगा, बेहतर है आप कुछ देर आराम कर लें। खुदाया मैं तेरी पनाह मांगता हूं। ताज्जुब है जात अशीर, तुमने कल रात कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं, हम तो सो रहे थे, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। मैं एक लम्हे को रात को उठा तो था लेकिन कुछ सुना नहीं। कल तुम्हारे बाप की आवाज से मेरी आंख खुली, ख्वाब देख रहे थे। मैंने उठाया तो बताया कि ख्वाब में 10 भेड़िए देखे जिन्होंने एक बच्चे पर जो यूसुफ की कदोकामत का था हमला किया और उसे गड्ढे में गिरा दिया। आधी रात को उठकर यूसुफ को प्यार कर रहे थे और उसे चूम रहे थे। बाबा ने उस बच्चे को पहचाना नहीं? कह रहे थे कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन जाहिर है कि यूसुफ ही था, वरना वो बेदार होते ही उसके सर पर हाथ न फेरते और लाड न करते उससे। अगर वो बच्चा यूसुफ था तो यकीनन वो भेड़िए हम 10 भाई होंगे।
बड़े फखर की बात है ना कि तुम्हारा बाप तुम्हें भेड़िए की शक्ल में देखे। याकूब कह रहे थे कि ख्वाब में 10 भेड़ियों को देखा जिसने एक बच्चे पर जो यूसुफ की शक्ल का था हमला किया और उसे जमीन के गड्ढे में गिरा दिया। ये कोई बुरा ख्वाब तो नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है बलहा? याकूब ने हमारे बेटों को भेड़ियों की शक्ल में देखा है। तुम इस ख्वाब को अच्छा समझती हो? जो भेड़िए यूसुफ पर हमला करें वो बुरे भेड़िए तो नहीं हुए ना? बच्चों को खुद ही कुछ करना होगा, बच्चों को ही। मामला क्या है? मैं सब समझ रहा हूं। रातों को भी यूसुफ की फिक्र में है, ख्वाब में भी यूसुफ ही नजर आता है। जहां कहीं जाते हैं उसे अपने साथ लेके जाते हैं, सोते हैं तो अपने पहलू में सुलाते हैं। फजूल में हंगामा मत करो यहूदा, हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि बाबा ने हकीकतन क्या ख्वाब देखा है। दूसरी बात यह है कि यूसुफ के पास हमारी तरह माँ और मकान वगैरह नहीं है, लिहाजा बाबा मजबूर हैं कि हर जगह उसे अपने साथ रखें। हमें पता है कि बाबा ने क्या ख्वाब देखा है। उन्होंने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है, वो भेड़िए जो यूसुफ को मारना चाहते थे। सलाम बाबा। तुम लोगों को जेब नहीं देता कि जो कोई कुछ भी कह दे उसे सुना और आसमान सर पर उठाना शुरू कर दिया? माँ कह रही थी कि आपने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है जो यूसुफ पर हमला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ख्वाब में सिर्फ ये देखा कि चंद भेड़ियों ने एक बच्चे पर हमला कर दिया है। न वो भेड़िए तुम लोगों की शक्ल के थे और ना ही वो बच्चा यूसुफ की शक्ल का, क्योंकि मैंने ख्वाब में बच्चे का चेहरा वाज़े नहीं देखा। 10 भेड़िए, जाहिर है कि हम 10 भाई हैं। मैंने ख्वाब में भेड़ियों की तादाद नहीं गिनी। तुम लोगों को किसने कहा कि 10 भेड़िए थे? मैं तुम सबको चाहता हूं, तुम लोगों की जहमतों की हमेशा दिल से कदरदानी की है, लेकिन मैं यहूदा को, जो अब एक कवि हैकल जवान है, बच्चे की तरह जानू पर बिठाकर तो लाड़ प्यार करने से रहा कर सकता हूं। जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हें भी बच्चों की तरह प्यार किया करता था और अपने जानू पर बिठाता था और अपने पहलू में सुनाता था। तुम लोगों ने उस वक्त बाप की शफकत भी पाई और मां की मोहब्बत भी। यूसुफ और उसके भाई को जितनी भी मोहब्बत मिली वो उस मोहब्बत के मुकाबले में कम है जो तुम लोगों को मिली। तुम लोगों से जो इस वक्त जवान हो, मुझे यह हरगिज तवक्को न थी कि एक बच्चे से अपना मुकाबला करोगे। जाद अशीर, अपनी मां से पूछो कल रात में किस तरह तुम लोगों को प्यार कर रहा था। हाँ, मैं कल रात जाग रहा था, आपने हमें चादर उड़ाई और हमारे सर पर हाथ फेरा। पहले भी मैंने तुम लोगों से कहा था
कि तुम्हारे गुफ्तार और अफकार से हसद झलक रहा है। ये शैतानी अफकार हैं। दुश्मनों और बदखाहों को मौका ना दो कि वो आपके अंदर हसद की आग को मजीद भड़काएं। बाबा, हम चाहते हैं कि यूसुफ के साथ खेलें। आप हमें इजाजत क्यों नहीं देते? वो तुम्हारा भाई है, मुझे कोई इतराज नहीं है। उसके साथ क्यों नहीं खेल सकते? मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारे साथ खेलकर खुश होगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? पूछने की क्या बात है, जाओ खेलो। तुम लोग भेड़ों को चरागाह नहीं ले जाओगे? हमें माफ कर दीजिए बाबा। मेहनती और गबरू जवान, क्या बात है, क्या कर रहे हो? दोपहर के खाने के लिए दूध गर्म कर रहे हैं। नौशे जान, बिन बुलाया मेहमान नहीं चाहिए क्या? आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसी देहात का रहने वाला हूँ। मेरा काम गल्लाबानी नहीं है, बस कभी कभार अपनी भेड़ें यहाँ चराने को लाता हूँ। लगता है कि तुम लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लगना चाहिए क्या? हक बजानिब हो, किसी अजनबी की आमद पर कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम लोगों की खातिर यहाँ आया हूँ। तुम लोगों के दीदार का बड़ी शिद्दत से मुश्ताक था। क्या आप हमें जानते हैं? हाँ, यहाँ अतराफ के तमाम लोग ही याकूब पैगंबर के बेटों को जानते हैं। तो हमें देख के ताज्जुब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कल रात आप लोगों को ख्वाब में देखा था, आपको यकीन आएगा? हाँ, कल रात आपको ख्वाब में देखा और आज जागते हुए देख रहा हूँ, ये अजीब नहीं? हम सुनना चाहेंगे, हमें बताओ क्या देखा। सच पूछो तो अजीब गरीब ख्वाब था, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने ख्वाब में देखा कि आप 10 भाई हैं और एक बच्चे को तख्त पर उठाए हुए हैं, जैसे आप सब गुलाम हो उसके और वो आपका आका हो। कभी देखता कि वही बच्चा एक सवारी पर सवार और आप 10 अफराद घोड़ों की मानंद उसकी गाड़ी पर जुते हुए हैं। कभी देखता कि वो कुर्सी पर बैठा है और आप 10 को जंजीर में जकड़ा हुआ है और आप लोग उसके लिए गल्लाबानी और काश्तकारी कर रहे हैं। खैर है, मैंने ख्वाब बताकर आप सबको परेशान कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है, इसे अहमियत न दें। बेहतर है कि अब मैं जाऊं। अजीब बस सूरत और खबीज शक्ल का था। हाँ, अरे कहाँ चला गया? इतनी जल्दी यहाँ से दूर नहीं जा सकता। वो गायब हो गया।
शायद उसे जमीन निकल गई। पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है। उसका ख्वाब यूसुफ के ख्वाब की तरह था। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों। सलाम। सलाम बाबा। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों। सलाम। सलाम जीते रहो। नबी खुदा पर दरूद। तुम पर भी खुदा का दरूद हो बेटा। क्या हुआ, लगता है किसी से झगड़ा हुआ है। जी, आपके बेटों से। लेकिन क्यों? उन्होंने हमारे खेत को खराब कर दिया, वह अपनी भेड़ें चराई। मैंने एतराज किया तो मुझे मारने लगे। यहूदा, शमून, लावी, इधर आओ। तुमने भेड़ों को इस जवान का खेत खराब करने क्यों दिया? भेड़ों को रोका तो नहीं जा सकता ना बाबा, अब ऐसा भी क्या हो गया? और इसे मारा क्यों? इसका कसास अदा कर सकोगे? या नबी अल्लाह, मैंने इन्हें माफ किया, लेकिन इनसे कहिए कि आइंदा अपनी भेड़ों को चराने के लिए हमारे खेतों में ना लाएं। ये कहते हैं कि हम कनान के मालिक और मुख्तार हैं, जो चाहें करेंगे और जहां चाहें भेड़ें चराएंगे। ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया है कि लोगों के खेतों में अपनी भेड़ें चराओ? तुमसे किसने कह दिया है कि कनान के मालिक मुख्तार हम हैं? बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। वादा करता हूं कि आइंदा हमारे जानवर तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं खुद तुम्हारे सारे नुकसान की अदायगी करूंगा। हमसे गलती हो गई बाबा, माजरत चाहते हैं। कनान में हर शख्स अपनी मिल्कियत का खुद मालिक और मुख्तार है। कनान के असली मालिक फलस्तीनी हैं, हम नहीं। फिर हम कहां के हैं बाबा? जहां के मेरे दादा और तुम्हारे जद इब्राहिम खलील रहमान, जिनका मकबरा मकफीला में है, वो बैनुल नहरीन के जुनूबी हिस्से सूर कला के खित्ते ऊर के रहने वाले थे। वही तुम लोगों की जाय पैदाइश है। फद्दान के नजदीक इनसे पहले फलस्तीनी हारा करते थे। इस जवान के आबाओ अजदाद जो कि फलस्तीनी थे, हमसे सैकड़ों साल पहले से कनान में आबाद हैं। अलबत्ता 100 साल बाद हम सब इब्रानी और कनानी अहले कनानी कहलाए जाते हैं। तुम सबको चाहिए कि एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो। यूसुफ, यूसुफ मेरे बच्चे, उठो उठो। सलाम बाबा। सलाम बाबा की जान, लगता है ख्वाब दिख रहे थे। जी, ऐसा जिसको किसी से भी बयान करने को मना किया है। अपने बाबा से भी? देखा कि मैं भेड़ों के पास बैठा था।
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, बाबा जान मैंने ख्वाब में देखा 11 सितारे सूरज और चांद हैं, देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। मैं महफ था सितारों और सूरज और चांद को देखने में कि आपने बेदार कर दिया। से बयान मत करना, खुसूसन अपने भाइयों को। नादान है और उनकी जवानी का जोम उन्हें हसद में मुब्तला कर देगा। अपनी बहन और सौतेली मां को भी मत बताना, वो सबको बता देंगी। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने दो जानू है, और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगी, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवीय दर्जात के लिहाज से भी। उस दिन तुम्हारा बाप मां और तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे सामने सजदा करेंगे। लेकिन उस दिन तक इस ख्वाब को किससे भी बयान करने से परहेज करना, खुसूसन अपने भाइयों से। मुमकिन है वो तुमसे हसद करने लगे और तुम्हारे खिलाफ साजिश करें। साजिश? और वो भी मेरे अपने भाई, नबी खुदा के बेटे? शैतान की कुव्वत से गफलत मत बरतो बेटा। शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है और उन्हें फरेब देता है, हाँ अंबिया के ही बेटे क्यों ना हो। खुदा ने तुम्हें अपने लिए चुना है और ताबीर ख्वाब का इल्म कसीर तुम्हें अता करेगा, और तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को तमाम करेगा।
जिस तरह तुम्हारे बाप दादा इसहाक और इब्राहिम पर इत्माम नेमत किया था और उन्हें इमामत व विलायत का मर्तबा अता किया। खुदा तुम्हारी रूह को शाद रखे। तुम्हारे बच्चों को लाया हूं, देख रही हो दोनों सही और सालिम खुश हैं। माँ, फायका पप्पो भी हमें छोड़कर चली गई। उस रोज से तुम्हारी जुदाई का एहसास और ज्यादा हो गया। मैं जानता हूं कि यूसुफ और बिन्यामीन के लिए कोई भी तुम्हारी जगह को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन मैं और लिया अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इन दोनों को मां की कमी का एहसास न हो। बाबा, क्या मैं मां को अपना ख्वाब बता दूं? तुम्हारे लिए खुशखबरी है राहिल, हमारा बेटा मुस्तकबिल में मकामे नबूवत पर फायज होगा। यह मुझे इसके कल रात के ख्वाब से पता चला। मां, लिया खाला और बाबा हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए परेशान मत होना। आराम से सोती रहो राहिल, आराम से सोती रहो। मैं अपने बच्चों को मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सलाम बाबा। सलाम मेरी बच्ची, जीती रहो, बैठो। मैं तुम्हारे लिए गंदुम लेकर आता हूं। बाबा तुम्हें कहां लेकर गए थे? हम अपनी मां राहिल की कब्र पे गए थे। मुझसे क्या काम था? कल रात याकूब ने अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया है, मैंने सोचा कि शायद आप भी सुनना चाहेंगी। फिर खातिर जमा रखो, वो मेरे और तुम्हारे बेटों में से कोई नहीं है, बल्कि यूसुफ है, राहिल का बेटा। साफ साफ बोलो, मामला क्या है? मैं जब बेदार हुई तो वो यूसुफ से कह रहे थे कि अपना ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान करना, तुम खुदा के नबी और इब्राहिम और इसहाक के वारिस हो। और सबसे दिलचस्प बात जो थी वो ये कह रहे थे कि तुम अपने भाइयों पर हुक्मरानी करोगे और वो तुम्हें सजदा करेंगे। वो खुद भी यूसुफ के सामने तो जानू बैठे हुए थे और उन्हें चूम रहे थे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि याकूब का जानशीन मेरे बेटों में से हो, लेकिन अगर नबी खुदा की मर्जी इसी में है तो मैं भी इसे तस्लीम करती हूँ।
यानी तुम अपने बेटों पर यूसुफ की हुक्मरानी को बर्दाश्त कर लोगी? कोई चारा नहीं, अगर याकूब की मर्जी यही है तो मुझे कबूल है। बेहतर होगा कि आप भी इसे कबूल कर लें। लेकिन मैं ये किसी तौर पर, मेरा भी ख्याल है कि हमें सर झुका लेना चाहिए। बानोलिया यकीनन दुरुस्त फरमा रही हैं। हमें चाहिए कि नबी खुदा के हुक्म की अताअत करें। मुझे यकीन है कि यूसुफ के भाइयों को भी एतराज नहीं होगा। तुम कितनी बेवकूफ हो, हर बात तो लिया से कहने की नहीं होती है ना। बैठो, हमें कुछ करना होगा। हमें चाहिए कि हम अपने बेटों से बात करें। देखा है तुम लोगों पर हुक्मरानी का ख्वाब, मेरा यकीन करो। इसमें क्या मुश्किल है, खुद यूसुफ से पूछ लेते हैं। तुम क्या समझते हो, अगर ख्वाब देखा होगा तो बता देगा? हाँ बिल्कुल, यूसुफ झूठ नहीं बोलता, अगर देखा होगा तो बता देगा। हेलो, यूसुफ। जी भाई। तुम्हें पता है कि हम अपने प्यारे और मेहरबान भाई यूसुफ से मोहब्बत करते हैं। मैं भी आपको चाहता हूँ। सच्ची यहूदा, मैं कब आपकी तरह बड़ा होऊंगा? तुम बड़े हो और खुदा के नजदीक और अपने मुकाम व मंजिलत और अपनी बड़ाई से बखूबी आगाह भी हो। आप किस मकाम की बात कर रहे हैं? वही जिसकी निशानदेही कल रात तुम्हें ख्वाब में की गई थी। ख्वाब याद है ना, वो ख्वाब जो तुमने देखा था। हमें जब पता चला कि तुमने ऐसा कोई ख्वाब देखा है जो तुम्हारी बुलंदी की निशानदेही करता है तो हमें बहुत खुशी हुई। बाबा ने आपको बताया है कि मैंने ख्वाब देखा? आखिर मैंने उनके सिवा किसी को नहीं बताया। नहीं, बाबा ने तो नहीं बताया, मगर मैंने खुद सुना था। आधी रात को जब सैन में आया तब मैंने सुना था कि बाबा तुम्हें कह रहे थे कि अपना ख्वाब किसी को मत बताना। क्या तुम हमें भी अपना ख्वाब सुनाओगे? बोलो, क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? तो आपने ये भी सुना है कि बाबा ने कहा है कि अपना ख्वाब किसी से बयान मत करना। इसमें क्या बुराई है, तुम्हारे भाई तुम्हारी खुशी में शरीक होना चाहते हैं। जानता हूँ आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, शायद आपको ख्वाब बताने में कोई बुराई भी ना हो, लेकिन मैं बाबा के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। मैं बाबा को बताऊंगी कि तुम यूसुफ को मारना चाहते थे। बस करो दीना, यहूदा का मारने का इरादा नहीं, बस यूसुफ पर उसे जरा गुस्सा आ गया है। चलो। यहूदा क्यों गुस्सा कर रहा था? तुमने आखिर ऐसा क्या कह दिया? वो जो पूछना चाहते थे नहीं बताया अपना ख्वाब। उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने ख्वाब देखा है?
सिवाय बाबा के किसी को नहीं पता। मैं बाबा से कहूंगी कि यहूदा तुम्हें मारना चाहता था। मत कहना। क्यों? मैं अपने भाइयों से मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि बाबा उनसे खफा हो। वैसे दीना, यहूदा मुझे क्यों पसंद नहीं करता, जबकि बाबा ने कहा है कि भाइयों को चाहिए एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे का एहतराम करें। बलहा, सुल्फा, लिया, लियाओ, देखो मैं गंदुम लाया हूँ। सलाम बाबा। सलाम। सलाम मेरे बच्चे, जीते रहो, बैठो। सलाम नबी खुदा। बलहा, गंदुम पीसने की तैयारी करो, रोटी पकाने के लिए आटा नहीं है। इस साल के गंदुम की पहली बोरी है, बड़ी मुश्किल से गंदुम के दानों को भूसे से जुदा किया है। बाबा, सारे भाइयों को मालूम है कि मैंने ख्वाब देखा है। उन्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे नहीं पता, उन्होंने मेरे ख्वाब के बारे में पूछा। जब मैंने नहीं बताया तो मुझ पर गुस्सा हुए। बलहा, बलहा। जी या नबी अल्लाह। अब तक बारहा मैंने तुम्हारी लगाई बुझाई और कनसुनियों का मुशाहिदा किया है, लेकिन चुप रहा इस उम्मीद पर कि शायद इस काम से बाज आ जाओ और अपनी सलाह कर लो। लेकिन लगता है जब तक तमाम भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा न कर दोगी, चैन से नहीं बैठोगी। मुझे नहीं मालूम नबी खुदा क्या कहना चाह रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ। मैं कल रात तुम्हारे हुजरे में था, यूसुफ ने वही ख्वाब देखा और वही मुझसे बयान किया। मेरे और यूसुफ के अलावा कोई इस माजरे से बाखबर नहीं था। तुम्हारे सिवा कौन इस ख्वाब और उसकी ताबीर के बारे में सुन सकता है? मगर मैं कसम खाती हूँ कि कल रात में सोई हुई थी। तुम झूठ बोलती हो। मैंने कल रात तुम्हारे कमरे में आहट सुनी थी, वहां तक गया भी था, लेकिन जब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सोता हुआ पाया तो अपने कानों पर एतबार न किया, जबकि मैंने ठीक सुना था। अब तक बारहा जुल्फा को धोखा देकर चुगलखोरी और बदगोई पर उकसाया है, यहूदा और उसके भाइयों को यूसुफ के खिलाफ भड़काया है और अपने बच्चों में यूसुफ के लिए कीना का बीज बोया है, लेकिन मैं चुप रहा। बलहा, अगर आज के बाद तुमने कोई ऐसी गलती की तो अपने बेटों को लेकर तुम्हें तुम्हारे शहर फद्दान बाबुल भेज दूंगा। सुना तुमने मैंने क्या कहा? मैं नबी खुदा से वादा करती हूँ कि आज के बाद इन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और हमेशा इनके हुक्म की अदात करूंगी। मुझे माफ कर दे, आपके सिवा कोई नहीं है, मैं आपकी कनीज हूँ, मुझे यहीं दफन कर दे, लेकिन फद्दान वापस भेजने की बात मत करे। नहीं। इसमें शक नहीं कि सूरज हमारे बाबा, चांद हमारी माँ, 11 सितारे तो वाज़े ही हैं। बाबा ने इस बेवकत बिन माँ के बच्चे को इतनी अहमियत दे दी, ख्वाब में खुद को माबूद और हमें अपने आगे सजदा रेस देखता है। ना सिर्फ हम लोगों को बल्कि बाबा और अपनी माँ को भी अपने आगे सजदा रेस देखता है। आज यहाँ से कोई नहीं जाएगा जब तक कि यूसुफ और हमारा मसला हल नहीं हो जाता। मैं अपने तमाम बेटों को एक साथ चाहता हूँ, लेकिन यूसुफ से मेरी बेपनाह मोहब्बत यूसुफ पर खुदा के खास लुत्फ करम की वजह से है। उम्मीद है कि मेरी बेटी इस मोहब्बत को समझ सके और यूसुफ से हमेशा मोहब्बत से पेश आए और उससे दुश्मनी न करें। क्या वाकई वो समझता है कि वो हम पर और हमारे माँ बाप पर बढ़तरी रखता है और एक रोज हम पर हुक्मरानी करेगा? यूसुफ वहम का शिकार हो गया,
ये तमाम ख्यालात बाबा के बेजा लाडो प्यार और माँ की बेतहाशा मोहब्बत का नतीजा है। समझ में नहीं आता कि बाबा इस यूसुफ को हम सबसे ज्यादा क्यों चाहते हैं। आखिर हम सब में क्या कमी है? घर चलाने की तमाम जिम्मेदारी हमारे कांधों पर, ज़रात खेती बाड़ी के तमाम काम हिसाब किताब हमारे जिम्मे, भेड़ों को चराना और भेड़ियों से बचाना हमारा काम, भेड़ों को चारा पानी डालना उनकी हिफाजत, बाड़े की सफाई सुथराई उनकी गंदगी जमा करना सब हमारे कांधों पर, बाबा और माँ की सारी मोहब्बत और तवज्जो और तो और फायका फुप्पो की सारी मोहब्बतें और इनायतें सब के सब यूसुफ के लिए है। वो भी एक कमजोर और बेहैसियत बच्चे के लिए जो अपनी नाक तक खुद साफ नहीं कर सकता। बाबा की मोहब्बत और तवज्जो ही क्या कम थी जो अब हम पर बढ़तरी और सरदारी करने के सुनहरी ख्वाब देखने लगा है। मैं बाबा को गुमराही में मुब्तला देख रहा हूँ। इन तमाम गलतियों का सर चश्मा वही है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा और राहिल के बेटे की सरदारी को किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। हमें भी कबूल नहीं है, लेकिन इसका मुनासिब हल क्या हो सकता है? शायद तुम्हें बोलने की जरूरत ना हो, लेकिन मैं बोले देता हूँ, यूसुफ को रास्ते से हटाना होगा। ये बहुत खतरनाक बातें हैं, इतनी आसानी से जबान पर मत लाओ। आखिर क्यों ना लाऊं? इस तरह से बाबा को भी इम्तियाजी सलूक करने की सजा मिल जाएगी और यूसुफ भी हम पर सरदारी करने की आरजू अपने साथ अपनी कब्र में ले जाएगा। अगरचे मुझमें यहूदा जैसी जरूरत नहीं, लेकिन बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। वैसे मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब से यूसुफ ने दुनिया में कदम रखा है, सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है और सबकी मोहब्बतें भी उसी के लिए हैं। बस अब बहुत हो चुका, आखिर कब तक बर्दाश्त करें और बाबा और माँ के होते हुए उसे कुछ ना कहें? ये मत भूलो, भाई का खून और बाबा की नाफरमानी ऐसा अजीम गुनाह है जिसके नतीजे मजाब जहन्नम यकीनी है। मेरे पास इसका भी हल है, तौबा। यूसुफ के कत्ल के कुछ अरसा गुजरने के बाद खुदा से बख्शिश तलब कर लेंगे और खुदा तो है ही बड़ा बख्शने वाला, हमें बख्श देगा। वैसे ही जैसे दूसरे गुनाहगार सोचते हैं, गुनाह करेंगे, गलती के मुर्तकिब होंगे और बाद में तौबा कर लेंगे। अरे तो और क्या, यूसुफ की मौत और बाबा की तवज्जो हासिल करने के बाद तौबा करके अपनी इसलाह कर लेंगे और क्या। और अगर खुदा ने तौबा की तौफीक ही हमसे सल्ब कर ली तो खताकार के लिए तौबा का इम्कान हमेशा मयस्सर नहीं होता, और अगर तौबा की तौफीक नहीं मिली तो हमेशा के लिए लानती हो जाएंगे और जिल्लत और रुसवाई आने वाली नस्लों के जहनों में बाकी रहेगी कि कुछ गुनाहगार पैगंबर जादों के हाथ अपने ही भाई के खून में रंग गए। मैं लावी की बातों से मुत्तफिक हूँ, लेकिन सब बेफायदा है। लेकिन लावी और यहूदा से बेहतर कोई और हल हो तो पेश करें। सिर्फ मुखालफत करना और खुद को पारसा जाहिर करना ज्यादा मुश्किल नहीं, अगर ऐसा ही है तो कोई हल पेश करो। क्या हमारा मकसद बाबा की मोहब्बत और तवज्जो पाना नहीं है? वो तो है, हमारा मकसद बाबा की तवज्जो पाना है, बस। बस तो फिर कुछ ऐसा करो कि बाबा की नजर यूसुफ पर ना पड़े, उसे बाबा से दूर कर दो। वक्त के साथ साथ उनकी तवज्जो यूसुफ से हट जाएगी और तुम्हारी तरफ हो जाएगी। ये भी तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाबा यूसुफ को अपने से दूर नहीं करेंगे। तो फिर आओ इस बारे में कुछ सोचें। पहले ये समझ लें कि यूसुफ को मारना कोई हल नहीं है, फिर बाबा से यूसुफ को दूर करने के बारे में कोई हल मिल ही जाएगा।